यहाँ पर राजस्थानी थाली का बताने के लिए तैयार हैं। राजस्थानी थाली में एक सर दोबारा हम राजस्थानी थाली बनाने जा रहे हैं, जिसमें चूरमा दाल बाटी जो जयपुर की मशहूर है वो बनाई जाएगी। इसमें जैसे आटे का चूरमा होता है, बेसन का चूरमा होता है, ये तो पहले ही हम तैयार कर लेते हैं क्योंकि उसका हाथों हाथ तैयार नहीं हो पाता है। पर बाटियां हैं, जैसे बाटियां कच्ची बाटियां तैयार रखते हैं हम। इसमें दो तरह की बाटी हैं, एक सादा बाटी है, एक मसाले वाली बाटी है। ये कच्ची बाटियां तैयार होती हैं और फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करते हैं। इसको आप डीप फ्राई करिए। ये बाटियां जब तक हम फ्राई कर रहे हैं, हम उसको फ्राई होने में करीब 5 मिनट लगेंगे, तब तक हम बाकी और तैयारी करते हैं। ये गट्टे की सब्जी होती है, इसमें बेसन के गट्टे पहले से बने हुए होते हैं और फिर इन गट्टों को हम ग्रेवी के साथ मिक्स करके डिश तैयार करते हैं। तो गट्टे रख के और फिर ग्रेवी के साथ मिक्स करके उसको गट्टे की सब्जी तैयार करेगा। मीनवाइल एक आदमी हमारी बाटियां फ्राई कर रहा है।